यहाँ पे गाड़ी बिगड़ गई है एक जन की, और हम लोग अभी लाइन इसलिए शायद ज्यादा ही जाम लग गया था, और लाइन फ्री हो गई अभी, पता नहीं क्या हुआ। अरे धुआं हुआ निकल रहा है, कुछ कुछ गाड़ी धुआं हुआ निकल रही थी। गाइस बहुत भीड़ है यार, अभी तो निकल रही है गाइस, धीरे धीरे हम लोग तो निकल गए, कम से कम बहुत आगे जाना है। आ गए आ गए, बाहर आ गए हम लोग। रोड के बाजू बाजू भी गाड़ी लगा दी है ना। हाँ यार, अच्छी जगह लगाए थे हम लोग, पर निकलते समय लेट हो गए। वो जो है ना, वो कार, उन्हीं का कार खराब हो गया है, धुआं निकल रहा था एकदम ज्यादा। खड़े खड़े हीट हो जाती है ना, इसलिए शायद। अपना कितना है अभी, अपना नॉर्मल दिखा रहा है ये, कांटा हमेशा सीधा होना चाहिए। टेम्परेचर टेम्परेचर सीधा टेम्परेचर एकदम। हाँ, जब वो एच हो जाएगा ना पूरा, उधर झुकने लग जाएगा, तो गाड़ी खड़े करना पड़ जाएगा। लेकिन अभी हमारी गाड़ी एकदम ठीक है। हाँ पूरा ठंडा था, अभी भी ठंडा, चाय भी था। हाँ चाय था। हमारी गाड़ी इतने देर तक खड़ी है, लेकिन अभी तक गर्म नहीं हुई ज्यादा, पर ये निकल ही नहीं रहे यार। निकलते हैं गाइस, उसके बाद मिलते हैं, अभी तो माथा पच्ची हो रहा है बहुत। तो दोस्तों, भीड़ इतनी थी कि मैंने अपना इंट्रो देना ही भूल गया। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे आप सब लोग आ गए एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में आप सभी के साथ। तो गाइस, जैसे कि आपने हमारे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा, जो हमारे पिछले वीडियोस है, अभी तक किसी ने नहीं देखा तो जाके देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अभी हम लोग है धमतरी में, और धमतरी में अभी हम लोग मिनी गोवा से निकल रहे हैं। पिछले आपने हमारे मिनी गोवा वाले ब्लॉग्स देखे होंगे, और अभी तक नहीं देखा तो लाइक करो जाके और वीडियो को देखो। तो गाइस, धमतरी अभी मिनी गोवा से हम लोग निकल रहे हैं, और मिनी धमतरी में ही हम लोग अभी दूसरी जगह जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक के देखो, पता चल जाएगा आपको हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल पे नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी मत भूलिएगा। गाइस प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करो, और अपने भाई को खूब सारा प्यार दो, जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिले। और अपने भाई को प्लीज़ सपोर्ट करो, दिल से शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, दिल से प्यार सबको, लव यू भाई, और अपने भाई को सपोर्ट करो प्लीज़, और वीडियो को एंजॉय करो अब। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं विंध्यवासिनी मंदिर, पहुंच गए अपन। चलो आपको दिखाते हैं, ये भी यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन स्थल है। यहाँ पे पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, कार आराम से पार्क हो जाएगी आगे तरफ रोड में। बस मंदिर भी बहुत बड़ा सा है, चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ से अलग से पार्किंग भी दिया हुआ है मंदिर के जस्ट बाजू, मस्त, बहुत ही बढ़िया। पहुँच गए हम लोग पार्किंग में, उतर गए हम लोग कार से, और थोड़ा शाम भी हो चुका है, तो अब थोड़ा हालत आ रहा है पता नहीं क्यों। पर चलिए आपको हम लोग दिखाते हैं अंदर, मंदिर की तरफ चलते हैं। हमने प्रसाद भी ले लिया है वहाँ से, और अभी हम लोग जा रहे हैं द्वार तक के मंदिर के सामने। यहाँ पे द्वार भी आ गया है, अरे यार यहाँ पे डॉगी लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए मंदिर के द्वार तक के, विंध्यवासिनी मंदिर कुछ ऐसा है यहाँ का द्वार। और अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं गाइस, अंदर चलते हैं गेट से। चलो चलो, जय माता दी जय। ये कुछ ऐसा मंदिर है यहाँ का, बहुत ही बड़ा और बढ़िया मंदिर है। अंदर आ गए, ये देखो गाइस गेट, वाओ मस्त लग रहा है एकदम, चारों तरफ से मंदिर बड़ा है बहुत। और हम लोग पहुंच चुके हैं अंदर, यहाँ पे 10 माताओं का पोस्टर है, एक बार पोस्ट पॉज करके अभी आप नाम पढ़ सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं माता रानी के। देखो गाइस कुछ ऐसा है यहाँ का मंदिर, देख लो, जय माता दी। गाइस हम यही दुआ मांगेंगे, हमारा चैनल ग्रो हो और आप सबकी फैमिली हमसे जुड़े। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करें हमें। और यहाँ पे हमने प्रसाद दे दिए, हम लोग चलते हैं, दर्शन हो गए हमारे। इधर से जाना है क्या? मम्मी ने प्रसाद भी दे दिए, कर लिया मैंने, जाए आप भी कर लो गाइस।
हम लोग भी कर लो। अब चलते हैं मंदिर के गोल घूमेंगे। हम प्रसाद ले लिया हमने मिश्री। जय माता दी, जय गाइस। यहाँ पे हवन कुंड है, यहाँ पे अगरबत्ती जलाए हैं, यहाँ की भभूति हम लोग लगा लेते हैं अपने सर में। चिन्नी इतनी बड़ी चिन्नी है ये, बेबी लगा लो। चलो चलो लगाई, इसके लगाए यार, इसको नहीं लगाए कोई भक्त। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये तो घूमते रहती पगली जैसे, भूतनी जैसे झूम रही है इधर से उधर। चलो चलो गाइस, एक बार आप भी जय कर लीजिए और कमेंट में बताना आपको कैसा लगा हमारा सफर। चारों तरफ से एक बार मंदिर को देख लो आप, पीछे हमारे मंदिर है और यहीं जस्ट मंदिर के बाजू हमने कार पार्क की थी और ये आ गई हमारी कार के पास हम लोग। अब चलो अंदर चलते हैं और थोड़ा धमतरी देखते हैं, कुछ लेते हुए भी चल देंगे, घूमते हैं थोड़ा। गाइस अभी हम लोग जिस मंदिर से निकले वहाँ पे पहले ये मंदिर पूरे जंगलों के बीच में था और जब धमतरी शहर डेवलप हुआ तब वहाँ पे मंदिर बना दिया गया और फिर बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया वहाँ पे। तो अभी हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और धमतरी शहर में अभी हम लोग घूम रहे हैं। अभी हम लोग रुके हैं धमतरी और ये देखो यहाँ पे शॉप से बहुत सारे खाने का, तो हम लोग सोचे घर से खाना खा के निकले थे लेकिन अभी हम लोग सोच रहे हैं क्यों ना खाना कुछ खा लिया जाए अभी ऐसी चटपटा, फिर घर जाके और अच्छा दाल साग रागेश सोच भी नहीं हाँ। यहाँ से घर बहुत दूर है और बीच में हमको पूरा ऐसा नहीं मिलेगा कुछ खाने के लिए, तो हम लोग सोच रहे खा लिया जाए, खा लिया जाए, खा लिया जाए। प्रिय श्री कृष्ण के लिए नहीं, रन्नू का मुंह ज्यादा ही बनता है। गाइस नहीं नहीं, और रन्नू यहाँ कपड़े धो रही, पर मैं तो ये बोल रही हूँ कि घर का रास्ता बहुत दूर है तो अभी हम लोग थोड़ा भी रुकेंगे तो हम लोग लेट होगा। अभी तो अच्छा लग रहा है लेकिन जब सीट को मत खींचा करो यार, अंधेरा हो जाएगा तो बिल्कुल अच्छा, पूरा फेंका जाएगा ना तुम्ही लोग के मुंह में आके घुस जाएगा। ठीक है हमारे मुंह में घुसेगा, तेरे तो नहीं घुस रहा ना। सीट खराब हो जाता है रे ऐसे ऐसे, इसको खींचते हैं इन लोग पीछे से। देखो ये ऊपर हैंगर दिया है ना, इसको पकड़ लिया कर, पकड़ लिया, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, देखो आगे बताऊंगा। छोटी बच्ची का मैं पकड़ती हूँ, गुस्सा मत हो यार, टंग जा तू उसी पे लंबी हो जा। बोलो बेबी जल्दी बोलो। देखिए गाइस आपसे गुस्सा हो गई क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया। हाँ गाइस प्लीज सब्सक्राइब, बेबी हमारी गुस्सा हो गई आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, छोटी सी क्यूट सी बेबी को प्लीज बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी बेटी के लिए, सब्सक्राइब प्यारे से मुंह पे मुस्कान आ जाएगा। ठीक है पापा के आने का वेट करते हैं, फिर खाना आएगा तो ऐसी मुस्कान आ जाएगा। तो पापा ले आए हैं कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए और यहाँ पापा प्लेट लाए हैं कटोरी टाइप का, हेलो दो ही ठुकलाए हैं बस। क्या है पापा? समोसा और बड़ा। समोसा बड़ा लाए हैं, चलो खाते हैं। बड़ा तो खा लिया गाइस, अब बड़ा बहुत छोटा छोटा है, आप खाओ, मैं बड़ा खा रहा हूँ। तो समोसा और भजिया तो हमने खा लिया, अब पापा लेने गए हैं भेल, बहुत ही तीखा लग रहा है, लाल वाली चटनी थी एकदम, और पापा भेल बनवा रहे हैं। गाइस वहां से आने के बाद हम लोग अब दाल चावल खाएंगे और सो जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग को करने जा रहे हैं हम लोग यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग और प्लीज अपने भाई को दिल से सपोर्ट करो, दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए, और हमें प्यार करें और आई लव यू सबको, हमें लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज हमें ग्रो करें और बहुत ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहेंगे और काफ़ी मेहनत लगती है गाइस बनाने में, तो जानते हो आप बहुत थक जाते हैं, तो प्लीज़ हमें लाइक करें, हमें सपोर्ट करें और दिल से प्यार दीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग और टाटा बायो, सी यू, सायोनारा।